अंतिम सोमवार और आज मैं आपको दिखाऊंगा कितने ज्यादा संख्या में कांवरियों बाबा मंदिर जो कि सभी गंगा में स्नान करके जल संकल्प करेंगे और कल यानी सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा पर जलार्पण करेंगे। कितने ज्यादा संख्या में कांवरियों पहुंच रहे हैं देवघर, यह जो है आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को प्रारंभ करते हैं। ये नज़ारा है कांवरिया पथ का और अंतिम सोमवार से पहले रविवार शाम को देखिए कितने ज़्यादा कांवरिए यहाँ पर पधार रहे हैं, बाबा मंदिर के तरफ जा रहे हैं, बाबा पर जलार्पण करने के लिए सब कोई गंगा जल लेकर जो है देवघर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा का मंदिर है, शिवगंगा है, वहीं जाने के लिए सब कोई जो है इंतज़ार में खड़े हैं क्योंकि अभी सबको रोड क्रॉस करना है। तो अभी रोड को बंद कर दिया गया, अब सभी कांवरियों को रोड क्रॉस कराया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा संख्या में कांवरिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं शिवगंगा के तरफ, जहाँ पर जल संकल्प करके आगे बढ़ेंगे और लाइन में लगकर कल सोमवारी को बाबा पर जलार्पण करेंगे। कल जो है अंतिम सोमवार होने वाला है सावन मेले का, जिस कारण से आज बहुत अधिक संख्या में कांवरिए पहुंच रहे हैं बाबा नगरी बाबा धाम। मैं अच्छे से आपको दिखा रहा हूं, देखिए कितने ज़्यादा संख्या में कांवरिए धीरे धीरे आगे से जो है आ रहे हैं, सुल्तानगंज से आ रहे हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब जो है रोड बंद करके कांवरियों को रोड क्रॉस कराया जाएगा। देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, अभी जो है रोड चल रही है, सभी गाड़ियाँ सड़क पर चल रही है। गाड़ियों को रोकने के बाद देखिए अब कांवरियों को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा संख्या में कांवरिए जो है आज पहुँच रहे हैं बाबा धाम। कल बाबा पर जलार्पण करेंगे सभी कांवरिए। तो ये देखिए एक अद्भुत नज़ारा है बाबा नगरी का, बाबा धाम का, जो कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो ऐसा ही नज़ारा होता है सावन महीने के रविवार के शाम को, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में कांवरिए पहुंचते हैं सोमवारी के दिन बाबा पर जलार्पण करने के लिए। तो आप देखिए कितने अधिक संख्या में सभी कांवरिए धीरे धीरे रोड क्रॉस कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं शिवगंगा की तरफ। तो चलिए यहाँ से मैं आपको आगे की तरफ दिखाते हुए चलूंगा। सभी जो है मुझे कांवरिया पथ में एक जो है सब्सक्राइबर भाई मिल गए, कहाँ से हैं आप? अररिया जिला। देखिए अररिया से आए हुए हैं और बोल रहे हैं जो है मैं मुझे देखकर जो है कांवरिए बम रुके, बोले जो है आपका सारा वीडियो हम देखते हैं। तो चलिए अच्छा, तो ऐसे ही जो है मोबाइल पर देखे और टीवी में भी देखे बता रहे हैं भैया, तो बस ऐसे ही जो आप लोग सपोर्ट बनाते रहिए और आगे भी आपको अच्छा अच्छा ब्लॉग मिलता रहेगा। चलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं महिलाओं का एक ग्रुप धीरे धीरे बाबा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और जो कि डांस करते हुए आ रहे हैं। इनको पता है जो है अब हम देवघर पहुंच चुके हैं, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बाबा का मंदिर है, इसलिए देखिए नाचते हुए बढ़ रहे हैं बाबा मंदिर की तरफ। तो चलिए मैं भी आपको इन लोगों का जो है डांस दिखाते हुए बढ़ता हूँ धीरे धीरे कांवरिया पथ में आगे की तरफ। इसी प्रकार से सभी कांवरिए रोड क्रॉस करने के बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए यहाँ से मैं आगे लेके चलता हूँ और आगे किस मोड़ से आपको किस तरफ घूमना है ये भी मैं बताते हुए चलूंगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। अब हम कांवरिया पथ में आगे आ चुके हैं टोयोटा शोरूम के पास और यहाँ पर आप देखिए मेरे पीछे जो है बहुत सारे कांवरिए बम जी सब जो है नीचे सोए हुए नजर आ रहे हैं प्लास्टिक बिछा के। ये लोग जो है कल सोमवार को जलार्पण करेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा जो है जानते हैं इन लोगों से कितना देर विश्राम करेंगे और कितना बजे लाइन में लगेंगे। बहुत सारे कांवरिए कांवरिया पथ में ही बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं और रात को लाइन में लगेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। तो बम जी कल जलार्पण कीजिएगा क्या? कितना बजे लाइन में लगिएगा आप लोग? 1 बजे के बाद लगिएगा लाइन में। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत सारे बमजी सब यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और सब कोई जो है सोमवारी को जलार्पण करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं, सब कोई रात में लाइन लगेंगे। कितना बजे आप लोग लाइन लगिएगा बमजी? 10 बजे लग जाएंगे। 10 बजे लाइन लग जाइएगा ना। तो यहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे थे तो एक भाई बम मिल गए जो बता रहे हैं आपका वीडियो हम देखे हुए हैं। तो देखिए सब्सक्राइबर जो है रास्ते में हमको मिलता रहता है। चलिए भाई ऐसे ही जो है सपोर्ट करते रहिए चैनल पे और जो है बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो देखिए यहाँ पर और कुछ बमजी मिल गए जो कि विश्राम कर रहे हैं। ये बमजी सब भी कल ही जलार्पण करेंगे, यानी सावन के सोमवार को ही जलार्पण करेंगे। तो कितना बजे आप लोग लाइन लगने वाले हैं?
हम लोग 12 बजे लगेंगे जब सोमवार घुसेगा उसके बाद ही लाइन में लगेंगे। लाइन लगेगा तो देखिए लाइन में भी जो है लगेंगे सोमवार को ही, इसलिए यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। तो देखिए बाबा के भक्त ऐसे होते हैं, सोमवार को जलार्पण तो करना ही है लेकिन लाइन भी लगेंगे तो सोमवार को ही 12 बजे का तभी लाइन में लगने के लिए जाएंगे। चेंज होगा तब देखिए ऐसे ही जो है हमारे भोलेनाथ के भक्त सब है। चलिए बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, हर हर महादेव। हर महादेव। खगड़िया जिला से आए, देखिए खगड़िया से सब कोई आए हुए हैं। हिंदी विद्यापीठ मोड़ के पास जाने के बाद आपको बाएं तरफ मुड़ना है और वहां से कुछ दूर जाने के बाद आप दाएं मुड़िएगा और शिवगंगा पहुंच जाइएगा। विद्यापीठ मोड़ के पास हम अभी वीडियो शूट कर ही रहे थे तो सर लोग बोले थोड़ा सा जो है हम लोग को भी ब्लॉग में आप ले लीजिए। तो देखिए सर लोग भी जो है बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि सोमवारी के लिए रविवार को बहुत ज्यादा संख्या में कांवरिये यहाँ पर आ जाते हैं तो इन लोगों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। पुलिस के जवान सब भी आपके सेवा में ही लगे हुए हैं तो आप लोग भी प्रशासन का मदद करते हुए आगे की तरफ जो है बढ़िए। तो चलिए हम भी आपको आगे तक दिखाते हुए बढ़ते हैं, अभी शिवगंगा के पास आ चुके हैं तो यहाँ का नजारा भी आपको दिखाएंगे। कांवरिया पथ में बढ़ते बढ़ते अभी आ चुके हैं शिवगंगा तट पर और यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत सारे कांवरिये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और आज रात को सबको लाइन लगेंगे और कल सोमवारी है, अंतिम सोमवारी पर जो है बाबा पर जलार्पण करेंगे। तो चलिए आगे और भी दिखाते हैं कैसा नजारा है शिवगंगा का, फिर चलेंगे बाबा मंदिर के अंदर और मंदिर प्रांगण भी आपको दिखाएंगे वहां पर जो है अभी आज कितने जो है कांवरिये जलार्पण करके बाहर आ रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो ऐसा कुछ नज़ारा है रविवार शाम का जो कि शिवगंगा का नज़ारा अभी आपको हम दिखा रहे हैं। सभी कांवरिये जो है अपना कांवर यहाँ पर रख के जल संकल्प करा रहे हैं और देखिए मैं आपको शिवगंगा भी दिखा रहा हूँ और यहाँ पर भी कुछ कांवरिये जल संकल्प करा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे लाइन में लगने के लिए बढ़ेंगे और जिनको अभी जल जो है जलार्पण करना हो वो अभी लाइन में लग के जलार्पण कर लेंगे और जिनको कल जलार्पण करना हो वो आगे की तरफ बढ़ेंगे लाइन में लगने के लिए। तो चलिए मैं सारा कुछ दिखाते हुए आपको आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखिए ऐसे ही आपको लाइन में लगना है और अगर आज आपको जलार्पण करना होता है मतलब जो रविवार को जलार्पण करते हैं वो अभी यहाँ से लाइन में लग के ओवर ब्रिज होते हुए जाके जलार्पण कर देंगे और जो सोमवार को जलार्पण करेंगे वो आगे के तरफ बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा रविवार के दिन बाबा धाम का। अब हम पहुँच चुके हैं बाबा मंदिर के आंगन में और देखिए अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो है बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और बाबा मंदिर का नज़ारा जो है शाम के समय देखने लायक रहता है। अंबिका जी और लाल बिहारी जी जो कि शिरडी मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था तो बताया हम लोग को भी ब्लॉग में लीजिए, हम लोग आपका जो है वीडियो देखते हैं। मुझे पता नहीं था सब्सक्राइबर है आपको मेरे से तो भी बोलते हैं उनको ब्लॉग में लेते हैं। तो चलिए आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा चैनल पर हर हर बार। आपको दिखाया किस प्रकार से जो है सभी कांवरिये धीरे धीरे मंदिर प्रांगण के करीब आके रुके हुए हैं और कुछ देर बाद सब कोई लाइन में लगेंगे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और आज लाइन कहां तक जाएगी रात को ये भी मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो ब्लॉग भी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। Thank you.